मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना काम खुद करो। लड़का शर्ट उतार सकता है तो हम क्यों नहीं उतार सकते। तुम सुट्टा मारोगे तो हम भी सुट्टा मारेंगे। इन पॉइंट्स को रेस करके वुमेन्स डे को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, जबकि वुमेन्स डे उन औरतों के लिए बनाया जाता है जो अपने हस्बैंड या फिर अपनी सोसाइटी या फिर किसी किस्म का भी जुल्म का शिकार है। आज भी काफी सारे ममालिक हैं ऐसे, काफी सारे गाँव हैं जहाँ पर छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है। लेकिन आज हम लोग इस वजह के लिए बाहर नहीं निकल रहे, बल्कि इस वजह से निकल रहे हैं ये औरत मार्च में, कि लड़का अगर सिगरेट पी सकता है तो मैं भी सिगरेट पी सकती हूँ, लड़का अगर आधे कपड़ों में फिर सकता है तो मैं भी आधे कपड़ों में फिर सकती हूँ। मतलब जो भी गलत काम एक लड़का कर रहा है वो जी हमने करना है। अगर इतना ही शौक है आप लोगों को कॉम्पिटिशन का, तो जाओ उस जंग के अंदर जहाँ पे सिर्फ मर्दों को भेजा जाता है शहीद होने के लिए और औरतों और बच्चों को मारने की इजाजत तक नहीं होती। जाओ उन मर्दों के साथ रहो जहाँ पे शिप डूब रही होती है और औरतों और बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है सबसे पहले, मर्द को नहीं। जाओ बाहर इस गर्मी इस धूप के अंदर मजदूरों के साथ काम करो जो रोड्स बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अगर इतना ही क्वालिटी का शौक है तो ये सारा कुछ करें। हालांकि अगर आज भी हम लोग उन औरतों के लिए निकले जिनके लिए एक्चुअल में ये वुमेन्स डे बनाया जाता है, जो आज भी जुल्म सह रही है, या फिर वो बच्चियां जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिंध में, बलूचिस्तान में पैदा होते ही दफन कर दी जाती है, हाँ उनके लिए निकले तो मैं भी आपके साथ निकलूंगा। लेकिन अगर ये वाहियाती बेगैरती फैलाने के लिए आप लोग निकलोगे ना, तो हम मर्द पूरी जिंदगी कंडेम ही करेंगे इसको। अगर आप औरतों को लगता है कि जी औरतों को हकूक नहीं मिलते, बल्कि कुछ औरतें कहती हैं कि दीनी एतबार से भी हमारे हकूक नहीं है, कि जी सारे हकूक तो अल्लाह ताला ने मर्द को दे दिए, तो मैं उनको बताते चलूं कि अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि मैं एक बंदे को 70 माओं जितना प्यार करता हूँ, बाप का तो नाम भी नहीं लिया, और जो जन्नत है वो माँ के पाँव के नीचे है। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं वो बेटी पैदा होने पे होते हैं। जब बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की तो हम लोग पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आ जाते हैं। हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे शो हो सकती है कि सारी औरतें मिलकर उन लोगों के लिए आवाज उठाएं जो कि जुल्म सह रही हैं औरतें, फिर जो बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती हैं, उन हस्बैंड्स को मैसेज पहुंचाएं कि जो औरतों को मारते हैं वो गलत करते हैं, उन बाप के लिए जो अपनी बेटी को मारता है वो गलत करता है, उन औरतों के लिए जिनको अपनी जॉब के अंदर हैरेसमेंट फेस करने पड़ती है, उन लड़कियों के लिए जिन लोगों को कोई जॉब नहीं मिलती तो उनको मजबूरन अपना जिसम सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो हम लोगों को उन लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए। और हाँ, अगर उन लोगों के लिए आवाज उठानी है तो मैं क्या, पूरा पाकिस्तान आप लोगों के साथ होगा। और वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जांपल्स की बात करते हैं आप लोग, एग्जांपल्स जो है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, चले वो तो बहुत बड़ी हस्ती है। हम लोग आज के जमाने की भी बात करें तो जैसे बिल्किस ईदी है, लेकिन आप लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल किसको बनाया हुआ है, मलाला को, जिसने आज तक कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए। मतलब उन लोगों को देखते नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया है। हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है फातिमा अली जिना, उन्होंने कायदे आजम के साथ मिलकर पाकिस्तान को बनाया, इंडियंस के साथ, गोरों के साथ, सबके साथ लड़के हम लोगों को एक आजाद मुल्क दी। देखिए यार, एक जो मर्द है और एक जो औरत है वो डिफरेंट रोल्स के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग अगर बायोलॉजिकली भी देखें तो एक मर्द डिफरेंट है, एक औरत डिफरेंट है, लेकिन जब एक औरत मर्द बनने की कोशिश करेगी और एक मर्द औरत बनने की कोशिश करेगा तो ये क्योंस ही है। देखिए यार, एक औरत कैसी लगेगी बाहर धूप में मजदूरी करते हुए, धूप में बिल्डिंग बनाते हुए या फिर वॉर करते हुए, इस सब के लिए औरत नहीं पैदा हुई। हाँ, अगर ऐसी कोई औरत है जो इस काम के अंदर अपना रोल अदा कर सकती है तो बिल्कुल ऐसी औरतें आई हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं भी करते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये एक सोसाइटी फैक्ट है कि जो मैन है वही बाहर जाके काम करेगा, वही धूप के अंदर धक्के खाएगा, वही गाड़ी को धक्का लगाएगा, वही टायर का पंचर ठीक करेगा, वही बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेगा, वही वॉर के अंदर लड़ाई करेगा। एक औरत नहीं भी करती तो कोई मसला नहीं है, हाँ करना चाहे तो जरूर करे। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जी औरत मार्च के अंदर क्या बताया जा रहा है कि जी लड़का सुट्टा पीता है तो हम भी पिएंगे, लड़का आधे कपड़े पहनते तो हम भी पहनेंगे। हालांकि एक लड़का अगर सुट्टा मार रहा है तो ये उसके लिए भी गलत है, वो लड़का गलत कर रहा है, ये कहने के बजाय कि वो लड़का गलत कर रहा है तो हम क्यों करें। आप लोग उससे कंपटीशन लगाना शुरू कर देते कि वो सिगरेट पी रहा है तो हम भी पिएंगे। मतलब ये सारी चीजें मर्द के लिए भी गलत है और औरत के लिए भी गलत है। मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में औरतें ड्राइविंग भी कर सकती हैं, औरतें जॉब भी कर सकती हैं, औरतें हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाती हैं, औरतें अब तो मिलिट्री के अंदर भी हैं, और क्या, और करना क्या है, और क्या टैक्सी चलानी है, और मतलब इससे ज्यादा क्या हकूक चाहिए यार। जब आप सबको रिस्पेक्ट के साथ सारी चीजें मिली हुई है तो क्यों नहीं शुक्र अदा करते, ये क्यों बाहर जाके ढिंडोरा पीटना जरूरी है औरत मार्च के ऊपर। बस यही कहना चाहूंगा कि अगर वुमेन्स डे इस चीज के ऊपर बनाया जाएगा उन औरतों के लिए जो कि डिजर्व करती है, तो मैं क्या, पूरा पाकिस्तान हर मर्द आप लोगों के साथ हिलकाया। किसी को मैंने अगर हर्ट किया हो तो बड़ी माजरत, सही है। और आप लोगों की राय क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।